पुरानी दिल्ली का मशहूर नहारी बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट अब आपके शहर मुमरा में। आपको दिल्ली जाने की अब जरूरत नहीं, जहां आपको मिलेगा बल्ली मरान स्पेशल थाल, बोंग नहारी, मटन नहारी, बफाया मटन, भेजा तड़का नहारी, दिल्ली की डेक मटन चाप मसाले के साथ, आपका पसंदीदा रोटी नान, लवासा नान, तंदूरी रोटी और कुलचा भी मिलेगा। हर एक स्वाद हमारी कहानी का हिस्सा है, बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट जो अब आपके शहर मुमरा में। बेमिसाल स्वाद के साथ दिल को छू जाने वाला जो आपको हमेशा याद रहे। बेहतरीन सर्विस के साथ बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट से आप घर बैठे फ्री ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इस्ताबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। करंट लगने से 14 साल के लड़के की मौत हो गई है। मृतक बच्चे को भिवंडी के इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है और पोस्टमार्टम भी बच्चे का किया गया। आपको बता दें कि ठाणे से सटे भिवंडी में एक 14 साल के लड़के की पावर लूम इकाई की छत पर चढ़ने के दौरान हाई टेंशन वायर ऊपर से भिवंडी वासियों के लिए करंट पहुंचाने के लिए जो लगाई गई है, इसी वायर से करंट लगने से 14 साल के बच्चे की वायर छू लेने की वजह से मौत हो गई है। भिवंडी के रहने वाले मृतक दिलशाद हमीउद्दीन शाह भिवंडी के एक उर्दू स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ता था। पुलिस और सूत्रों द्वारा बताया गया है कि शाह बुधवार को पावर लूम इकाई की छत पर अचानक चढ़ गया और उसे पता नहीं था कि पावर लूम की छत से हाई टेंशन वायर गुजरी है और मृतक दिलशाद को ये जानकारी नहीं हो थी और दिलशाद उसी हाई टेंशन वायर से अचानक से अटैच हुआ और इसे ज़ोरदार झटका लगा और वायर से चिपक गया। मौके पर मृतक दिलशाद को एक निवासी ने देख लिया, वह हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया है और उसे देखकर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी और पुलिस और बिजली आपूर्ति कंपनी के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और बिजली आपूर्ति बंद की गई। लड़के को भिवंडी के इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर दिलशाद को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। खबरों के अनुसार शांति नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी द्वारा बताया गया है कि मृतक दिलशाद पावर लूम के छत पर क्यों चढ़ा था और वह पावर लूम इकाई की छत पर चढ़कर क्या करना चाहता था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। पावर लूम के छत पर यूनिट की बिजली के तार और केबल गए हैं, ऐसा लगता है कि वह गलती से बिजली की आपूर्ति लाइन से टकरा गया जिससे वो बेहोश हो गया था। शांति नगर पुलिस ने शुरुआत में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी कि ADR दर्ज की थी। आगे की जांच प्रक्रिया शांति नगर पुलिस द्वारा की जा रही है। शांति नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक योगेश घोटके ने कहा है कि प्रथम जानकारी ऐसी सामने आ रही है कि 14 वर्षीय दिलशाद शाह को सिर और पैर का कुछ हिस्सा जल गया था, जिसके परिणाम स्वरूप काला निशान बॉडी के कुछ हिस्से पर पड़ गया था। जांच के दौरान पता चला कि झटका बहुत तेज और तीव्र था, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा छत पर गिर गया। पुलिस ने कहा है कि शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार के एक सदस्य को सौंप दिया गया है, लेकिन सदस्य अभी बयान दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि वो अभी तक सदमे में है। वहीं मृतक दिलशाद भिवंडी के रामनगर इलाके में रहता था, लेकिन और उनके परिवार में 8 भाई और माता पिता के साथ दिलशाद रहता था।